लो यार, आ गया जिसका सभी को इंतजार था। अरे कहना क्या चाहते हो? अरे बताए थे ना इंदुस बैटल रॉयल गेम का आज फर्स्ट गेम प्ले ट्रेलर आने वाला था, तो आ भी गया और मुझे काफी ज्यादा पसंद भी आया। लेकिन इस गेम प्ले ट्रेलर में बहुत सारे ऐसे डिटेल है जो शायद आपने मिस कर दिया होगा, लेकिन अभी तक भी ट्रेलर को नहीं देखे हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर से जाके देख लेना इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि आज हम इस ट्रेलर को पूरा अच्छे से ब्रेक डाउन करने वाले हैं। तो देखते रहो इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले कहीं भी थोड़ा सा वीडियो पसंद आ जाता है तो जल्दी से लाइक कर देना, शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ। इंडियन गेम है यार, सपोर्ट करना तो बनता ही है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो आने वाले इंस्टेंट अपडेट गेमिंग के वीडियोस देखने के लिए। तो करना, पहली आपको बता दूं, ये जो गेम प्ले ट्रेलर आप ऑन स्क्रीन देख पा रहे हो ये प्री अल्फा गेम प्ले है, तो जब गेम लॉन्च होगा और भी ज्यादा इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिल सकते हैं। और अभी से मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे प्लेयर इस ट्रेलर को देखने के बाद गेम को एपिक्स लेजेंड मोबाइल से कंपेयर कर रहे हैं। उनको हम एक ही बात बोलेंगे, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? हालांकि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कंपेयर नहीं करना चाहिए, करो कंपेयर, अच्छी बात है, तभी तो गेम इंप्रूव होगा, बट इतना जल्दी कंपेयर करना किसी भी गेम के साथ ये तो सही नहीं है। अभी ये सिर्फ गेम प्ले ट्रेलर आया है, उसके बाद गेम आएगा, पहले गेम को खेल लो देन कंपेयर करना, मेरे हिसाब से तो खेलने के बाद ही कंपेयर करना सही है। बात तो सही है। तो अभी ट्रेलर पे आ जाते हैं। ट्रेलर के शुरू में काफी सारे क्विक शॉट देखने को मिलता है, देन इंदुस बैटल रॉयल का लोगो और साथ में ऊपर से एंट्री करता हुआ इस गेम का मेन कैरेक्टर। लेकिन इसके बाद शुरू होता है डिटेलों का भंडार, जो आपको धीरे धीरे बताएंगे। जब आप गेम के कैरेक्टर को चूज कर लेते हो, फिर लैंडिंग से पहले आपको पोर्टल जैसा कुछ एनिमेशन देखने को मिलेगा, देखने में भी काफी फ्यूचरिस्टिक लग रहा है। वहां से आप सीधे एंट्री कर पाओगे गेम के मैप में। फिर एक एक करके कैरेक्टर के नाम के बारे में हमें पता चलता है। पहला एडम, जिसे हम काफी दिनों से जानते हैं, जब से गेम का अनाउंसमेंट हुआ है इसी कैरेक्टर को हम देखते हुए आए हैं। दूसरा सिरताज, जो ताजमहल से इंस्पायर है और रोबोटिक भी देखने में लग रहा है। तीसरा है अद्या, और आखिर में है बिग जैक। मैं तो इस कैरेक्टर को काफी ज्यादा यूज करने वाला हूँ, और मुझे लगता है सभी कैरेक्टर का अलग अलग स्किल्स भी होगा। तो कुल मिला के अभी के लिए चार ही कैरेक्टर को इन्होंने रिवील किए हैं, और फ्यूचर में जब गेम लॉन्च हो जाएगा उसके बाद और भी कैरेक्टर ये ऐड कर सकते हैं। लेकिन इस शॉट के बाद प्रॉपर गेम प्ले और गन फाइट हमें देखने को मिलता है ट्रेलर में, और यार क्या बताएं, गेम के ग्राफिक्स और डिटेलिंग बहुत ही कमाल के हैं। ऑन स्क्रीन तो आप देख ही पा रहे हो, गन फाइट भी काफी सही है, और गन के रिलोड एनिमेशन में भी काफी अच्छी तरह से ध्यान दिया गया है, और ये अभी सिर्फ प्री अल्फा गेम प्ले है, तो और भी इम्प्रूवमेंट हो सकता है फ्यूचर में। साथ में बताया गया है कि आपको गेम में सर्वाइव करना है, एक्सप्लोर करना है, लूट करना है, जैसे हम दूसरे बैटल रॉयल गेम में करते हैं। मैप भी आपको काफी सही मिलता है एक्सप्लोर करने को, अलग अलग जगहों के बारे में भी इसमें थोड़ा बहुत हिंट दिया गया है। ओवरऑल मुझे ये गेम प्ले ट्रेलर तो काफी ज्यादा पसंद आया है, और गेम भी देखने में काफी अच्छा लग रहा है। देखने में तो यार एपिक्स जैसा ही लग रहा है, बट जब तक नहीं खेलेंगे तब तक हम कुछ भी बता नहीं सकते इस गेम को लेके। आप सबका क्या ओपिनियन है इस गेम प्ले ट्रेलर को देखने के बाद, अपना जो राय है कॉमेंट करके जरूर बताना। और ये ट्रेलर ब्रेकडाउन आपको पसंद आया होगा तो जल्दी से जल्दी लाइक करो, शेयर करो, इंडियन गेमर सपोर्ट करो शेयर करके, और चैनल पे नए आ चुके हो, आने वाले इसी तरह से अपडेट वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो साइड के लोगो बटन को दबा के। तो चलो यार, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्रिएशन फाइन एपिसोड के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।